जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। थाना अध्यक्ष के द्वारा शराब की बड़ी खेप को किया गया जब्त। मधुबनी जिला के जयनगर में थाना पुलिस द्वारा अलग अलग कार्रवाई में शराब की बड़ी खेप को जब्त किया गया। एक धंधेबाज को भी शराब और बियर के साथ गिरफ्तार किया गया है। जयनगर थाना परिसर में गुरुवार को ASP डॉक्टर शून्य शौर्य सुमन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि जयनगर थाना अध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बलों के द्वारा गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र के दो अलग अलग जगहों से शराब और बियर की बड़ी खेप को जब्त किया गया। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा होगा कि शराब का धंधा जो बॉर्डर है वहाँ से काफ़ी पोरस बॉर्डर है, वहाँ से आना जाना लगा रहता है। तो कई बार हमने भी कोशिश की कि शराब के ऊपर रोकथाम के विरुद्ध कोई कार्रवाई करें, तो रात में भी कार्रवाई करने की कोशिश की। इसी में हमने जो SHO हैं जयनगर के संजय कुमार, इनके साथ मिलकर बैठक की और बाकी थानेदारों के साथ भी बैठक की कि उनके विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाया जाए। तो इसी का फल स्वरूप है कि इन्होंने लगातार मेहनत करते हुए तकरीबन जो 1800 लीटर नेपाली शराब तो इन्होंने एक पिकअप वैन में पकड़ा है। और इससे पूर्व भी एक दिन पहले भी इन्होंने एक घर में जो आप देख सकते हैं जो विदेशी शराब है, जो किंगफिशर बियर है और जो नेपाली शोकी है और जो तो ब्लैक ओक और एक वर्जिन करके भी दारू है, उसका इन्होंने जब्ती किया। गिरफ्तार हुआ है एक व्यक्ति आपको गिरफ्तार हुआ है रंजित, लेकिन और भी दो तीन कोई बड़े माफिया हैं जो जिनका नाम इसमें आ रहा है, उनके ऊपर भी सख्त सख्त कार्रवाई। पिकअप भान वान मामले में किसी को लेंड रोवर है जो चालक है या जो पिकअप का जो ओनर है, इनके बारे में पहचान कर लिया गया है और ये आपको बासुपट्टी का रहने वाला है। पूर्व में भी इसके ऊपर एक केस कांड दर्ज हो रखा है शराब के मामले में।